The Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा लेकर आई हूं आपके लिए काफ़ी खास खबरें। पहले तो हम आपको बताएंगे कि इटली ने एक क्या बड़ा खुलासा किया है कोविड-19 को लेकर, और फिर बताएंगे कि रवि किशन और जया बच्चन में कैसी तनातनी चल रही है और इसमें बीच में कूदी हैं कंगना रनौत। ये सारी खबरें द डॉन एक्सप्रेस में आज आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन आपको उसके लिए हमारी वीडियो पूरे अंत तक देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आपको बता दें कि इटली ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, इटली विश्व का वो पहला देश है जिसमें कोविड-19 के चलते मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा रही है, और इटली ने WHO का एक रूल का उल्लंघन किया है। दरअसल WHO का ये कहना है, ये एक नियम है कि कोई भी कोविड-19 के पेशेंट का पोस्टमार्टम नहीं करेगा, कोई भी विश्व का देश। लेकिन इस बात का उल्लंघन करते हुए पोस्टमार्टम किया गया इटली में कोविड-19 के पेशेंट का, और देखा गया कि उसमें कोविड-19 के कोई भी लक्षण नहीं थे, यानी उसको कोविड-19 था ही नहीं। अब इटली ने यह खुलासा किया है कि दरअसल 5G ग्लोबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण लोगों में ये जहर फैल रहा है, जिसके चलते खून में गांठें बन जाती हैं और ऑक्सीजन की मात्रा लंग्स और हार्ट्स में सही तरीके से नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इस बात का बहुत बड़ा खुलासा किया है इटली ने, और इटली ने एक ही दिन में इस बात को लेकर 14,000 मरीजों को घर भेज दिया जो कोविड-19 के पेशेंट्स माने जाते थे। साथ ही इटली ने यह दावा किया है कि अगर आप दवाई में फेरबदल करेंगे, जैसे कि एक दवा एस्पिरिन उन्होंने कही है, तो इसमें काफ़ी मरीज को फायदा होगा। हम सब जानते हैं कि कल से रवि किशन और जया बच्चन जी के बीच में काफ़ी तनातनी और शब्दों के बाणों की हेरा फेरी हो रही है। दरअसल जहां पर सांसद और अभिनेता रवि किशन ने ये कहा है कि जितने भी ड्रग माफिया है बॉलीवुड में, उन पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उन पर ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं ऑपोजिशन पार्टी की जया बच्चन, जो नामी ग्रामी अभिनेत्री भी हैं, उन्होंने इस बात की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बॉलीवुड का साथ देना चाहिए और उनको प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए, ये कहना है जया बच्चन का। जहां हम सब जानते हैं कि जया बच्चन और रवि किशन को लेकर तनातनी चल रही है, वहीं कंगना ने एक ट्वीट के जरिए इस बीच पर कूद पड़ी है। जी हाँ, कंगना ने जया बच्चन को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि क्या आप तब भी यही कहती हैं अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता, या फिर आपके बेटे को भी बॉलीवुड से निकाल के वो मरा हुआ पाया जाता अपने घर में, तो क्या आप तब भी यही कहती? ये सवाल उठाया है जया बच्चन जी से। कुछ लोग ऐसे हैं जो कंगना रनौत की निंदा कर रहे हैं कि उन्हें जया बच्चन जी से ऐसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जो इस बात के समर्थन में भी हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि ये कार्यवाही जो बॉलीवुड माफिया ड्रग्स वालों के खिलाफ चल रही है, उस वो कब तक खत्म होगी, और क्या जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं इस केस में, जो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मिस्ट्री में जो सामने आ रहे हैं, उनका जल्द ही खुलासा होने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर CBI की जांच चल रही है। वहीं उनकी पूर्व सेक्रेटरी दिशा सालियान की जिस तरीके से रहस्यमयी मौत हुई है, उसको लेकर BJP विधायक ने भी आवाज़ उठाई है। जी हाँ, उनका कहना है कि जिस तरीके से CBI जांच कर रही है, उसके अनुसार दिशा सालियान के मंगेतर रोहन रॉय के लिए भी उनको जांच करनी चाहिए। जी हाँ, उनका मानना है कि उनके मंगेतर से पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत के मामले में रिया करीबी हैं, उसी तरह से दिशा सालियान के करीबी उनके मंगेतर थे। उन्होंने कहा है और दावा भी किया है कि या तो रॉय साहब खुद आकर सारी सच्चाई कबूलें और उनके सामने CBI को सब कुछ सच सच बताएं, या फिर वो खुद भी इस बात का खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि उनका दावा है कि वो भी सारी सच्चाई जानते हैं। हम बस यही उम्मीद करते हैं यहाँ द डॉन एक्सप्रेस में कि जो भी सच हो और जो भी बड़े बड़े नाम हो मर्डर में, वो सब सामने आए। जिस तरीके से सुशांत का मामला तेजी पकड़ता जा रहा है, CBI, ED
और एनसीबी इस बात की खोज में लगी हुई है। अब ये मामला संसद में भी उठने लगा है, जहां रवि किशन ने ये मामला उठाया और कहा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं जया बच्चन जी ने भी इस बात पर तंग कसा है। जी हाँ, और इनके साथ खड़ी हो चुकी है शिवसेना। शिवसेना जो कि कंगना के खिलाफ है, और एक तरफ जहां माना जाता है कि शिवसेना के खिलाफ पूरा भारत है, वो जया बच्चन के साथ आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि ये बात तय है कि शिवसेना का कोई ना कोई खास इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और उसी को बचाने के लिए ये सारी कार्यवाही की जा रही है। ऐसे में जया बच्चन का ये बयान शिवसेना को क्यों नहीं अच्छा लगेगा। हम सब जानते हैं कि शिवसेना पूर्ण जोर कोशिश कर रही है किसी को बचाने की। कोई खास ऐसा इंसान जो शिवसेना से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं सुशांत और दिशा सालियान की कड़ी भी उससे जुड़ी हुई है। साथ ही शिवसेना को डर है कि जैसे तैसे जो उनकी सरकार महाराष्ट्र में बनी है वो भी कहीं ना गिर जाए, और इसी के कारण वो गलतियों पे गलतियां करती जा रही है। हम सब जानते हैं कि रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन लाल शर्मा पर उन्होंने एक कार्टून को लेकर हमला करवाया था, शिवसैनिक वहां पहुंचे और उनके साथ मारपिटाई भी की। अब इस बात पे जब सवालों में घिर आई है शिवसेना, तो उन्होंने 2016 का एक मामला उठाया है और इसके लिए आदेश भी दे दिए हैं कि जांच की जाए। वो मामला ये है कि 2016 में एक नौसैनिक को बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने भी मारपीट की थी। अब उस मामले को तूल दे रही है शिवसेना खुद को बचाने के लिए। ये मामला कहां तक पहुंचेगा ये तो समय ही बताएगा। जहां पर लॉकडाउन को लेकर लोग खासे परेशान हैं, मार्च से लेकर अब तक लॉकडाउन पूरी तरीके से नहीं खुला है। जी हाँ, पहले जैसा तो नहीं है कि लोग घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन अब लॉकडाउन में सरकार ने काफ़ी रियायत भी बरती है। पहले जो सैटरडे संडे का लॉकडाउन हुआ करता था, अब वो भी सिर्फ एक ही दिन का रह गया है कुछ राज्यों में। आपको बता दें कि कई अफवाहें फैल रही हैं जिसमें ये माना जा रहा है कि 25 सितंबर से सरकार फिर से लॉकडाउन सख्ती से लगा सकती है, लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस बात का खंडन किया है और ये बात साफ की है कि जो भी वायरल हो रही है चिट्ठियां वो फर्जी हैं, ऐसा कुछ नहीं सरकार का फैसला आया है अब तक। जी हाँ, लोगों में काफ़ी डर पैदा हो चुका है कि अगर सरकार लॉकडाउन कर देगी तो वो कैसे अपनी आमदनी और अपने खर्चे को निकालेंगे। जी हाँ, क्योंकि लॉकडाउन के बीच कई लोगों को भुखमरी का भी सामना करना पड़ा, कुछ लोगों को अपनी जगह छोड़कर वापस अपने घर जाना पड़ा, और कुछ लोग जैसे कि हम जानते हैं मजदूर तबके के लोग पैदल तक अपने घर गए हैं। तो हम यही कामना करते हैं कि लोग स्वस्थ रहें, लेकिन आप लोगों को हमसे भी ये वादा करना होगा कि आप लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, सैनिटाइज करते रहेंगे, अपने हाथों को धोते रहेंगे 20 सेकंड तक साबुन या हैंड वॉश से, साथ ही साथ मास्क पहनकर ही घर से बाहर जाइएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखिएगा। आपको बता दें कि जहां चीनी ऐप काफ़ी बंद हो चुकी हैं, कई सारी चाइना से जो ऐप थी पबजी को मिलाकर वो बंद हो चुकी हैं, उन पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है, वहीं अब बारी है काज गिरने की चीनी मोबाइल्स पर। जी हाँ, कई ऐसी कंपनीज हैं चाइना की जो अपने मोबाइल्स को इंडिया में बेचती हैं और लोग धड़ल्ले से खरीदते हैं, चाहे वो वीवो हो या फिर कोई और सी कंपनी। अब कमीशन ने ये फैसला किया है कि 19 सितंबर को जो बैठक होगी उसमें कई फैसले लिए जाएंगे, जिसमें एक फैसला ये भी होगा कि चीन से आ रही मोबाइल कंपनी पर भी बैन लगाया जाएगा। जी हाँ, अब आप चाइनीज मोबाइल तक नहीं खरीद पाएंगे, और जो कि बहुत अच्छी ही खबर है, क्योंकि इस बहाने हम अपने देश के बनी कंपनी का मोबाइल खरीद सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें पॉपुलर भी बना सकते हैं। और इस बैठक में ये भी फैसला किया जाएगा कि कंपनीज को लोगों के डेटा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि वो ऐसा कोई भी कंपनी नहीं करती है। इस तरीके से डेटा की चोरी, लोगों के डेटा की चोरी बहुत आसानी से की जा सकती है। जो भी लोग मोबाइल लेने की फिराक में हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आप सैमसंग का मोबाइल खरीदना चाहते हैं जो कि भारतीय मार्केट में बहुत पॉपुलर है, लोग सैमसंग पे बहुत यकीन करते हैं और सैमसंग बहुत ही पुरानी कंपनी हो चुकी है जो बहुत ही रिलायबल मानी जाती है। लेकिन अगर आपको सैमसंग के महंगे फ़ोन लगते हैं, आपको फीचर्स वही चाहिए लेकिन मोबाइल आपकी पॉकेट में होना चाहिए, आपके बजट के अंडर होना चाहिए, तो अब सैमसंग ने दो नए फ़ोन लॉन्च किए हैं जिसमें कि बहुत ही
नॉर्मल रेंज पर हैं। जी हाँ, एक फ़ोन की कीमत 7,000 है, दूसरे की कीमत 8,000। जी हाँ, हालांकि 6,000 का भी एक मोबाइल लॉन्च किया है। 6,000 से 8,000 के बीच की कीमत से सैमसंग ने दो मोबाइल लॉन्च किए हैं, जिसमें आप बहुत ही बेहतरीन फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ वो आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी होंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा कि कौन से नए मोबाइल सैमसंग ने लॉन्च किए हैं जो आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। गेमिंग हार्डवेयर रेजर के साथ दुर्घटना एक घटी है, जिसपे उनसे गलती से 1,00,000 गेमिंग करने वाले लोगों का डेटा लीक हो चुका है। जी हाँ, जिसमें उनका ईमेल, उनका एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर भी शामिल है। ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना है, जिसमें 1,00,000 से ज़्यादा लोगों का पर्सनल डिटेल्स सब में साझा हो चुकी हैं, लीक हो चुकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से इस बात पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ। आप हमारी वीडियो अंत तक देखने के बाद लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद जैसे ही हम वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। बाकी खबरों के लिए द डॉन एक्सप्रेस हमेशा आपके लिए तैयार है। सयाबाद, डेली होम डेली हट। नमस्कार।